अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के शुभ अवसर पर सिंगरौली वासियों ने जमकर खुशियां मनाते हुए मिठाइयां बांटी और पूजा पाठ कर दीपक जलाए। लोगों का कहना है कि ये दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 साल से हर भारतीय का सपना था कि भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पीएम मोदी ने यहां राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। भगवान श्री राम शीघ्र ही दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस मौके पर विधायक राम लल्लू वैश्य ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हिंदुओं का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि जो 492 वर्ष में हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी हम रामलला उस भूमि पर रामलला का मंदिर स्थापित नहीं कर पाए थे, आज इस भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी टू के एक वर्ष पूर्ण होने पर ऐसी ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हम सबों ने हासिल किया है। केंद्र शासित राज्य बनाया उसका भी उसी तरह आज 5 तारीख को यह समय निश्चित हुआ आज के दिन जिला का आधार रखेंगे। उपेक्षा नहीं हुई है क्योंकि उन सबने अपने अपने उमा भारती जी भी उस टाइम पे भी थे, लेकिन इस समय देश में संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।